हेलो वेलकम बैक टू पोकर अकेडमी क्वेश्चन नंबर फोर सी क्वेश्चन नंबर फोर सी विंटर 2019 में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं एक ऑप्शन है आपके पास विन लोड एनालिसिस है और सेकंड मतलब लेटर लोड एनालिसिस है विन तो नहीं कह सकते हैं डायरेक्टली हम लेटर लोड एनालिसिस है मतलब अर्थक्वेक वाला है और सेकंड ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है फ्लैट स्लेब है तो पहले आप वो डिसाइड कर सकते हो दोनों देख लीजिएगा बाद में आप दिखाई डिसाइड कर लीजिएगा ऑलमोस्ट पैटर्न जो है एग्जाम में वही रहती है अगर यहाँ पे आपको फ्लैट स्लैब और लेटर लोड कैलकुलेशन ऑप्शन में मिल रहा है तो वही आपको फाइनल एग्जाम में भी मिलने वाला है पैटर्न आपको चेंज नहीं होगी दैट इज़ श्योर बट आपको ये तय करना होगा एग्जाम में कि मुझे कौन सा आसान लग रहा है लेटर लोड एनालिसिस या फ्लैट स्लैब तो देखते हैं कौन सा आपको अच्छा लगेगा वो बाद में आपको देख लेना तो ये है एट स्टोरी आरसीसी बिल्डिंग इज लोकेटेड इन जोन थ्री पहली तो जोन थ्री की बात की है हैविंग थ्री बेस ऑफ फोर मीटर इन एक्स डायरेक्शन थ्री बेस ऑफ फाइव मीटर इन वाई डायरेक्शन मतलब यहाँ तीन इंटू फोर मतलब ट्वेल्व मीटर का एक्स डायरेक्शन में उनका स्पान है और वाई डायरेक्शन में अगर आप काउंट करते हो तो फाइव इंटू थ्री दैट इज फिफ्टीन मीटर का उनका आपको स्पान मिल जाएगा तो ट्वेल्व वाई फिफ्टीन का आपको टोटल एरिया मिलता है ऑल बीम्स आर साइज ऑफ थ्री हंड्रेड बाई फाइव हंड्रेड एंड कॉलम इज फोर हंड्रेड बाई फाइव हंड्रेड एम एम स्लैब की थिकनेस वन ट्वेंटी है एंड वॉल जो है वो वन ट्वेंटी एम एम थिक आपको दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको एक आसानी हो जाएगी एक्सटर्नल और इंटरनल वॉल के लिए अलग से आपको कैलकुलेशन करना नहीं होगा क्योंकि वन ट्वेंटी ऑल वॉल के लिए आपको दिया हुआ है टेक लाइव लोड थ्री किलोमीटर एंड किलो किलोमीटर पर मीटर स्क्वा हाइट थ्री मीटर फाइन दी लेटरल लोड एट ईच फ्लोर लेवल तो हर एक फ्लोर पर आपको क्या करना है लेटरल लोड फाइन करना है बहुत आसान है ऐसी बात नहीं है मुश्किल है बट आपको इतना ही ध्यान देना है ये जो स्टेप्स है वो आपको कितने कम समय में आप कंप्लीट कर सकते हो तो चलिए देखते हैं स्टेप वन बाय वन अब सबसे पहले तो जब आप सीखना चाहते हो ये लेटर लोड कंडीशन की तो पहले आपको स्टेप वन में करना है प्लान डायमेंशन जो ऑलरेडी मैंने बता दिया फिफ्टीन बाय ट्वेल्व मीटर स्क्वायर मिल रहा है आपको और सेकंड चीज आपको ध्यान में रखनी होती है वो होती है आपका जो स्लेब लोड है वही आपका मेन लोडिंग होगा बट फ्लोर जो टिपिकल फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर उनकी अगर बात करें तो वहां पे लाइव लोड और डेड लोड की जो वैल्यू होती है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है रूफ लेवल से रूफ मतलब से तो यही चीज आपको नेक्स्ट स्टेप में काउंट करनी है देखते हैं वेट ऑफ टिपिकल फ्लोर टिपिकल फ्लोर का मतलब क्या होता है अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो ग्राउंड ग्राउंड से लेकर स्टोरी तक आपको टिपिकल फ्लोर मिलेगा और जो लास्ट स्लैब आपकी टेरेस स्लैब वहां पे आपको उनको हम रूफ या टेरेस कहते हैं क्योंकि वहां पे लाइव लोड जो है वो बहुत कम होता है कंपेरेटिवली और ड्यू टू दॉटर प्रूफिंग आपका फ्लोर फिनिशिंग का लोड जो है वो ज़्यादा रहता है जनरल केस में हाँ एग्ज़ाम में आपको अलग से नहीं देते हैं वो अलग बात होगी बट अगर आपको एज्यूम करना है फ्लोर फिनिशिंग तो टिपिकल फ्लोर में और रूफ पर दोनों में आपको फ्लोर फिनिशिंग जो एजम्सन लेना है वो डिफरेंट लेना होगा देखते हैं किस तरह से आप काउंट कर सकते हो वेट ऑफ टिपिकल फ्लोर की बात करते हैं तो एक तो एक होगा का का खुद वेट का की थिकनेस 120 दिया है 25 डेंसिटी होती है आरसीसी की तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो आपको थ्री न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपको आंसर मिल जाएगा अब बात करते हैं मैंने बताया फोर फिनिशिंग एज्यूम करना है एज्यूम किया है, तो टोटल आपको आंसर मिल जाएगा फोर के एन पर मीटर स्क्वायर एक मीटर स्क्वायर में फोर है आपके पास वन एटी का टोटल एरिया है प्लान एरिया है तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको वेट मिल जाएगा टिपिकल फ्लोर का एक फ्लोर का टिपिकल वेट कितना हुआ 720 किलो न्यूटन अब इसी तरह से हम टेरेस की बात करेंगे टेरेस में कितना लोड आता है तो वेट ऑफ रूप और टेरेस फ्लोर हम बात कर सकते हैं उनकी तो सेल्फ वेट तो चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि उनकी थिकनेस वही रहेगी थिकनेस इनटू डेंसिटी तो थ्री ही रहेगा बट मैंने बताया आपको फ्लोर फिनिशिंग आप क्या कर सकते हो इंक्रीज कर सकते हो तो फ्लोर फिनिशिंग हमने इंक्रीज़ कर दिया है तो थ्री प्लस टू तो फाइव हो गया यहाँ पे फ्लोर फिनिशिंग प्लस वाटर प्रूफिंग हमने लिख दिया है अगर चाहो तो नहीं लिखना चाहते हो तो आप मत लिखिएगा बट फ्लोर फिनिशिंग यहाँ पे आपको टिपिकल फ्लोर में हमने कंसिडर किया है वन टेन पर मीटर स्क्वेयर एंड टेरेस पर हमने काउंट किया है टू न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर तो यहाँ पे फाइव आया तो इस हिसाब से आपको जो टेरेस का लोड है टेरेस का वेट है वो आपको ज्यादा मिल जाएगा थोड़ा बहुत ये चीज हो गई स्लैब वेट का अब बात करते हैं बीम की वेट की तो बीम का वेट अलग अलग लोग अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेथड से ये काउंट करते आपको मिल जाएंगे बट जो सिंपल आसान सा तरीका है वो मैं आपको बता दूं क्योंकि यहां पे आपको जनरल केस में बीम का जो डायमेंशन है वो चेंज नहीं करते तो सबसे पहले आप करिएगा क्या सेल्फ वेट ऑफ बीम फाइन कर दीजिएगा जो हर एक केस में आपको करना है पॉइंट थ्री पॉइंट फाइव एंड ट्वेंटी फाइव क्यों थ्री हंड्रेड बाई फाइव हंड्रेड का बीम था उनसे आप डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो बीम का जो वैल्यू है वो आपको किलो न्यूटन पर मीटर में मिल जाएगा अब देखिए पर मीटर में है उनकी अगर मैं लेंथ लेंथ फाइंड यू ये जो है आपको हर एक बीम की एक, दो, तीन, चार पांच छः सात आठ अगर ये मैं लेंथ फाइंड कर सकता हूं तो मुझे डायरेक्टली न्यूटन में मिल जाएगा यही चीज के लिए मैंने क्या किया है लेंथ ऑफ द बीम फाइंड किया है एक्स एंड वाई डायरेक्शन में तो पहले एक बीम की बात करते हैं एक की लेंथ कितनी होगी तो एक डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में आपको स्पान दिया है फोर मीटर का तो वहां मैंने कंसिडर किया है कॉलम जो है वो डिड्यूस कर दिया है और कॉलम का डायमेंशन आपको दिया हुआ है फोर हंड्रेड बाय फाइव हंड्रेड तो चार मीटर में पॉइंट फोर फाइव मीटर में पॉइंट फाइव हमने कंसीडर किया हुआ है तो 3.6 पॉइंट एक का मिल जाएगा एक्स में 4.5 एक का मिल जाएगा वो वाई में ये एक एक बीम की लेंथ हुई एक्स और वाई में ये आपको मैं यहाँ दिखा दूँ अगर इफेक्टिव 3.6 मीटर और ये आपको इफेक्टिव 4.5 मीटर अब क्या करते हैं टोटल बीम्स इन एक्स डायरेक्शन में कितने हैं वो हम देख लेते हैं तो टोटल जो बीम है एक्स डायरेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ देख लीजिए एक्स एक दो तीन और ऐसी कितनी ग्रीड है एक दो तीन चार तो यहाँ हो गया तीन बाय चार तो 12 मिल गए वाई डायरेक्शन की बात करूँ एक दो तीन कितनी ग्रीड है एक दो एक दो तीन चार तो फिर से तीन तीन बाय फोर कर दिया तो 12 मिल गया तो इस तरह से आप ग्रीड कैन काउंट करके ये डायरेक्टली नंबर्स ये मिल गए आपको नंबर्स क्या मिल गए नंबर्स क्योंकि वेट ऑफ द बीम क्या मिलेगा आपको नंबर ऑफ बीम कितने हैं और एक का सेल्फ वेट कितना है और एक का लेंथ कितना है तो यहाँ से आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा वेट ऑफ दी बीम तो फिर से एक बार रिपीट करके ये चीज देख लीजिएगा मैंने बीम के नंबर कहाँ से काउंट किए तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करने के लिए तो वेट ऑफ बीम एक्स डायरेक्शन की अगर बात करें तो 12 3.75 पॉइंट क्यों 12 नंबर है एक की जो अगर मैं वेट सेल्फ वेट जो मिला था 3.75 पॉइंट सेवेंटी यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे भी मैंने 3.75 पॉइंट ही कंसीडर किया है क्योंकि सेल्फ वेट तो वही रहेगा लेंथ आपकी जो थी x और y की वो चेंज थी 3.6 और 4.5 पॉइंट थी 12 नंबर जो दोनों में हमें सेम मिले थे नंबर 3 बाय फोर करके तो 12 मिल गए थे तो दोनों का वेट अगर वन सिक्सटी में वाई में टू टोटल कर दीजिएगा 364.5 सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव किलोमीटर आपको टोटल वेट ऑफ द बीम मिल जाएगा तो अब बात करते हैं वेट ऑफ वॉल की जिस तरह से हमने फाइंड आउट किया बिम के लिए वही चीज़ हमें फाइंड करनी है वॉल के लिए बट एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको वो है जब आप बात करते हो वेट ऑफ वॉल की तो आपको आंसर जो मिलेगा वो पर मीटर में मिलने वाला है क्यों पर मीटर में मिलता है वो भी मैं बताता हूँ क्योंकि जो वेट है वॉल का वो हमें कंसिडर करना है हाफ अबो दी फ्लोर का और हाफ बिलो द फ्लोर का तो इसलिए ये चीज में आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो आंसर मिलेगा वो पर मीटर ही मिलेगा मतलब हाइट को आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना है चलो बात करते हैं वेट ऑफ वॉल किस तरह से फाइन करेंगे नंबर ऑफ वॉल एक वॉल की लेंथ और थिकनेस एंड डेंसिटी दे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए नंबर ऑफ वॉल लेंथ थिकनेस एंड डेंसिटी मतलब कि हाइट को आपको मल्टीप्लाई नहीं करना होगा अब बात करते हैं एक्स डायरेक्शन में नंबर कितने हैं बार वाई में कितने हैं ट्वेल्व एक्स डायरेक्शन की लेंथ वाई डायरेक्शन की लेंथ फोर पॉइंट फाइव और डेंसिटी जो होती है वॉल की वो मेसनरी है इसलिए ट्वेंटी हम कंसीडर करेंगे तो ये चीज़ आप डायरेक्टली बीम में जो था वही चीज़ कॉलम में सॉरी वॉल में आप कंसीडर कर सकते हो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिएगा वन जीरो फोर के एन पर मीटर वन थर्टी के एन पर मीटर रिस्पेक्टिवली फॉर एक्स यानी डायरेक्शन टोटल टू थर्टी फोर किलोमीटर पर मीटर मैंने बताया था आपको ये मिलने वाला है आंसर आपको पर meter में. अब बात कर लेते हैं कॉलम की या weight of column की तो पहले चाहिए यहां पे भी आपको number of column और beam, और column. तीनों में डिफरेंस यही है कॉलम में आपको हाइट आपको नहीं लिखनी होगी पर मीटर होगा वॉल में भी आपको क्या करना है पर मीटर में ही आपको लोड कंसीडर करना होगा तो एक लेंथ आपको जो है हाइट जो हाइट वो आपको कंसिडर यहां पे भी नहीं करनी हो नंबर ऑफ कॉलम एरिया जो प्लान एरिया है वो उनके साथ आप डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि हाइट को आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी होती है तो नंबर ऑफ कॉलम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह तो सोलह नंबर मिल गए और उनका डायमेंशन था पॉइंट फोर पॉइंट फाइव ट्वेंटी फाइव डेंसिटी होगी आर होगा कॉलम इसलिए तो एटी आपको आंसर मिल जाएगा पर मीटर लेंथ में अब बात करते हैं डेड लोड के बाद लाइव लोड की तो लाइव लोड रूफ टेरेस पर जीरो मैंने बात पहले ही आपको बताया लाइव लोड जनरली हम कंसिडर नहीं करते रूफ पर बट जब टिपिकल फ्लोर की बात करते हैं तो आपको एज्यूम कर करने एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपको तीन किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर डेटा में दिया हुआ है बट हमारा आई ए क्या कहता है अगर आपको याद रखिएगा डिजाइन जब आप लेटरल लोड के लिए कर रहे हो याद रखिएगा फिर से बता रहा हूँ अगर आप बीम या कॉलम की डिजाइन कर रहे हो तो आपको ये रिडक्शन नहीं करना है बट आप अगर लेटरल लोड की, की बात कर रहे हो लेटरल लोड मतलब अगर ये आपका बिल्डिंग है यहां से जो लोड आ रहा है अर्थक्वेक या विन जब इनकी बात करते हैं तो हमें ये रिडक्शन अलाउड है तो अपटू थ्री न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अलाउड कितना है ट्वेंटी फाइव परसेंट आप क्या कर सकते हो ले सकते हो मतलब 75 आपको कंसीडर नहीं करना है 25 परसेंट ही आपको काउंट करना है अगर तीन न्यूटन से ज़्यादा दिया है आपको लाइव लोड तो आपको 50 परसेंट रिडक्शन करना है तो लाइव लोड टिपिकल फ्लोर पर कितना होगा 25 परसेंट ऑफ थ्री कितना होगा पॉइंट ट्वेंटी सॉरी पॉइंट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर और आपका प्लान एरिया था वन तो मल्टीप्लाई कर दिया है तो लाइव लोड टोटल आपको मिल जाएगा वन किलो न्यूटन तो ये चीज़ आपको डेड लोड में आप अगर बात करूं तो आपको सबसे पहले स्लेब का फिर आता है बीम फिर वॉल और फिर आता है कॉलम लाइव लोड की बात करूं तो लाइव लोड में आपको रूप पर जीरो कंसीडर करना है और टिपिकल फ्लोर पर आपको वैसे ही फाइन करना है जैसे आपने डेड लोड स्लेब के लिए फाइन किया था बट एक चीज याद रखना है यहां पे आपको रिडक्शन फैक्टर अप्लाई करना है तीन किलो न्यूटन तक है अगर आपका लाइव लोड तो आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट करना है और तीन से ज्यादा है चार है या पांच दिया है फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में तो आपको फिफ्टी परसेंट यहां पे कंसिडर करना है और प्लान एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको वन थर्टी फाइव मिल जाएगा अब बात करते हैं लम्प्ट मास की तो पहले रूप की बात कर लेते हैं पहले रूप की बात करते हैं तो रूफ में क्या होगा आपके लिए डेड लोड टोटल मास की बात करते हैं डेड लोड प्लस लाइव लोड तो डेड लोड जो होगा वो था आपका 1618.5 किस तरह से 161.5 तो नीचे आपको कैलकुलेशन करवा लिया है मैंने रूफ लोड था डेड लोड वो 900 था अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया आपको बीम का वेट था आप चेक कर सकते हो जब वॉल की बात करता हूं तो वॉल मैंने कंसिडर किया है मल्टीप्लाइड ओनली क्यों? किया है मैंने पैरापेट वॉल का वन मीटर डायमेंशन कॉलम की बात करता हूं तो थ्री बाय टू क्योंकि नीचे जो कॉलम है वही आपके लिए कॉलम होगा ऊपर तो कॉलम होगा ही नहीं टेरेस की बात करता हूं तो याद रखिएगा आपकी हाइट जो होगी मल्टीप्लाई हाइट 1.5 मीटर इसीलिए मैंने बताया ना आपको वॉल और कॉलम में आपको क्या मिलेगा पर मीटर लेंथ में वेट मिलेगा क्योंकि यहां पे हाइट टेरेस पे पैरापेट वॉल की वन होती है यहाँ पे थ्री बाय टू कर दी क्योंकि हाफ ही फ्लोर आपको एज्यूम करना होगा तो इस हिसाब से टोटल मिल जाएगा लाइव लोड जीरो ही होगा बट अगर बात करता हूँ मैं रूप के बाद टिपिकल फ्लोर में तो देखते हैं क्या होता है टिपिकल फ्लोर में टिपिकली फ्लोर की बात करता हूँ तो फ्लोर में सेवन ट्वेंटी था बीम का वेट सेम टू सेम ही रहेगा वॉल की अगर मैं बात करूँ तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है तीन मीटर क्योंकि वॉल जो होगी वो तीन मीटर की होगी तीन मीटर आपको हाइट दी गई है और कॉलम भी होगा तीन मीटर क्योंकि वन मीटर बॉटम से 1.5 मीटर टॉप से तो 3 मीटर होगा क्योंकि नीचे भी कॉलम होगा ऊपर भी कॉलम होगा उस फ्लोर पर जबकि टेरेस पर नहीं था टेरेस पर क्या था ऊपर जो कॉलम होते ही नहीं थे नीचे तो नीचे जो कॉलम होते हैं उनकी हाफ हाइट हमने कंसीडर की थी ये चीज़ आपको याद रखना होगा यहाँ पे होगा तीन वहाँ पे वन इसी तरह से आपको टोटल मिल जाएगा टू जीरो टू सिक्स पॉइंट फाइव किलोमीटर टन एंड लाइव लोड आपको वन थर्टी फाइव किलोमीटर टन ऑलरेडी मिल चुका है क्योंकि लाइव लोड यहाँ पे होगा टिपिकल फ्लोर पर टेरेस पर जीरो था टोटल मास की अगर मैं बात करूं तो टोटल मिला के 135 थर्टी ऐड कर दिएगा टू वन सिक्स वन पॉइंट फाइव और अगर टोटल वेट पूरे स्ट्रक्चर का अगर मैं बात करूं तो वन सिक्स वन एट पॉइंट फाइव जो आपका टिपिकल सॉरी टेरेस फ्लोर था रूफ का जो वन सिक्स वन एट पॉइंट फाइव और आपको एट फ्लोर दिए गए थे तो जो सेवन फ्लोर होंगे वो क्या होंगे एक रूफ हो गया बाकी जो कितने फ्लोर बचे तो सेवन तो सेवन इंटू टू वन सिक्स पॉइंट फाइव कर दीजिएगा आपको टोटल आंसर मिल जाएगा वन सिक्स सेवन फाइव जीरो किलो न्यूटन आठ फ्लोर थे इसलिए सेवन कर दिया अगर आपको फाइव फ्लोर देते हैं तो फोर सेवन फ्लोर देते हैं तो सिक्स एक फ्लोर ऑलरेडी हमने यहां काउंट कर दिया है टेरेस पर इसलिए एक फ्लोर आपका कम हो जाएगा अब बात करते हैं मेन जो आर्थिक लोडिंग में मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है वो होता है फंडामेंटल पीरियड उनका इक्वेशन आप याद कर सकते हो टी वन एट नाइन थ्री में भी ये इक्वेशन दिया है बट याद कर लीजिएगा क्योंकि वन एट नाइन थ्री में देखने जाओगे उससे पहले तो ये कैलकुलेशन खत्म हो गया होगा जीरो पॉइंट जीरो नाइन एच रूट डी डी क्या होता है डायमेंशन होता है जो आपका डायमेंशन है डायमेंशन वो भी डायमेंशन कौन सा डायमेंशन आपको लेना है जो आपके पास मिनिमम डायमेंशन हो याद रखिएगा फिर से बता रहा हूं मिनिमम डायमेंशन आपको कैरी करना है आपके पास दो डायमेंशन थे एक था ट्वेल्व मीटर एक था फिफ्टीन मीटर पंद्रह मीटर x में था 12, y में था 15. तो आपको यहां काउंट करना है 12 मीटर तो 12 मीटर कंसीडर कर दिया हाइट की बात करें तो तीन फ्लोर सॉरी तीन मीटर का एक फ्लोर है आठ मीटर की सॉरी आठ फ्लोर आपको दिए हुए हैं तो 24 मीटर आपको यहां पे काउंट करना होगा तो इस हिसाब से आपको पॉइंट सिक्सटी टू सेकंड टाइम पीरियड मिल जाएगा अब आगे बढ़ते हैं डिजाइन ऑफ सीजमिक बेसियर मतलब कि जो मेन काम है आपका दैट इज वी बी एच इंटू डब्ल्यू ये चीज आपको again, IS 1893, 2002 में मिल जाएगी पेज नंबर के करीब करीब यहाँ पूरी चीज आपको मिल जाएगी एच मतलब जो एक का काफिशियंट है वो पहले आपको फाइंड करना होगा डब्ल्यू तो आपने ऑलरेडी फाइन किया है एच जो है वो डिपेंड करता है पांच चीज पर कौन कौन सी जेड आई आर एस ए बाई जी अब मैं बताता हूँ वन बाई वन जेड होता क्या है जेड होता है आपका लोकेशन लोकेशन मतलब कि सिज्विक जोन कौन सा है जैसे हम बात करते हैं जो भूज है हमारा वो सिज्विक जोन फाइव में आता है गुजरात के मेजर जो एरिया है वो जनरली जोन फाइव में कंसीडर करते हैं हम हम जो डिजाइन करते हैं वो जोन फाइव में करते हैं अगर गुजरात की मैं बात करूँ तो तो ये हुआ सिज्मिक जोन वो अगर आप चेक करना चाहते हो तो आपको दिया हुआ है जोन थ्री तो जोन थ्री दिया है तो आपके लिए वैल्यू मिल जाएगी पॉइंट 16. ये पूरी चीज पेज नंबर के करीब करीब में हर एक चीज के लिए नहीं लिखा है कौन कौन से पेज में बट सिक्सटीन के अराउंड में सबके लिए ये वैल्यू आपको मिल जाएगी आई वन कंसिडर किया है मैंने अब आई का मतलब क्या होता है इंपॉर्टेंस फैक्टर इंपॉर्टेंस फैक्टर मतलब ये है कि अगर आपकी बिल्डिंग कोई रेसिडेंशियल के अलावा हॉस्पिटल बिल्डिंग है जो या ब्रिज स्ट्रक्चर है जो कि आप बहुत ही क्रूशल टाइम पर यूज़ करना चाहते हो या उनका जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है अब मैं ऐसी बात करूँ कि दस साल के लिए ये हॉस्पिटल है तो ये तो गलत है रेजिडेंशल बिल्डिंग में भी हो सकती है वो बीस साल पच्चीस साल की हो सकती है बट अगर मैं बात करूँ हॉस्पिटल की या कोई ऐसी स्ट्रक्चर्स जो क्रूशल टाइम में आपको काम आए वहाँ पे आपके इंपॉर्टेंस फैक्टर ज़्यादा होती है वन रखते हैं वहाँ पर बट रेसिडेंशल रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो वन हम कंसिडर कर सकते हो आर रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर आर फाइव ही हम कंसिडर करते हैं क्यों करते हैं एस एम आर एफ बिल्डिंग मतलब कि क्या होता है जो फ्रेम स्ट्रक्चर है जहां पे बीम और कॉलम होते हैं उनके लिए हम क्या कंसिडर करते हैं फाइव तो ये तो आपको हर एक एग्जाम के लिए फाइव ही मिलेगा ये चीज आपको बदल सकती है इंपॉर्टेंस फैक्टर भी आपका बदल सकता है एस ए ये बहुत बढ़िया है टू पॉइंट फाइव कहाँ से आया तो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ पेज नंबर सिक्सटीन में जो आप आपके लिए है यह आप फिगर देख लीजिएगा पेज नंबर में देखो तो क्या है जो नीचे टाइम पीरियड दिया है वो ऑलरेडी हमने फाइंड कर दिया है टू। तो टू के सामने अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको तीन टाइप की सोइल मिल जाएगी एक है हार्ड सॉफ्ट एंड मीडियम सोइल इस हिसाब से आपको अगर एग्जाम में देते हैं मीडियम है या सॉफ्ट है या हार्ड है इस हिसाब से आपको तीन में से कोई एक वैल्यू चूज करनी होगी तो यहाँ पे हमने आंसर लिया है टू पॉइंट फाइव दिस वैल्यू कैन बी पुट दिस इन इक्वेशन पॉइंटीन जो आपका जेड है टू तो एक कॉन्स्टर्ट नंबर है वन बाय फाइव जो ऑलरेडी वन इंपॉर्टेंस है फाइव आपका है रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर और टू पॉइंट फाइव ए सी बाय जी से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो तो ये आंसर मिला जीरो पॉइंट जीरो फोर मल्टीप्लाई कर दीजिए जो टोटल वेट था आपका तो उस हिसाब से बेस सीयर जो आपको मिल रहा है वो है सिक्स सेवन जीरो खत्म नहीं होता है काम अभी स्टार्ट होता है वर्टिकल रिस्प्स ऑफ द बेस दियर तो उनके लिए एक इक्वेशन है क्यू आई क्यू आई का मतलब है कोई भी एक पर्टिकुलर फ्लोर पर कितना होगा तो पहले तो वीबी जो बेस सीयर आपने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है वो तो तो अब पहले तो ये क्या करना होगा आपको करना करना होगा उन सब का total find करना होगा उन तब जाके आपको क्या मिलेगा क्यू आई इंडिविजुअल फ्लोर पर तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉप से स्टार्ट करते हैं फ्लोर लेवल एट से आपकी डब्ल्यू वैल्यू थी डब्ल्यू आई वैल्यू थी वन सिक्स वन एट पॉइंट फाइव ओके अब ये कहा था क्या था तो रूफ का जो लोड था रूफ टेरेस फ्लोर का जो लोड था वो हाइट क्या है वहाँ पे 24 है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा डब्ल्यू आई एच आई स्क्वेयर का तो आपको आंसर मिल जाएगा ट्वेंलेस टू थ्री में यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है इसीलिए क्योंकि एक बार लिख दिया था फिर लिखने की जरूरत नहीं होगी मैंने ऑल आंसर यहाँ पर लिखे हैं ट्वेंलेस टू थ्री में तो सेकंड की बात करें तो सेकंड जो फ्लोर था सेवन्थ फ्लोर सेवन्थ फ्लोर में आपको कंसीडर क्या करना है टिपिकल फ्लोर का जो लोड है टिपिकल फ्लोर का लोड था आपका टू वन सिक्स वन पॉइंट फाइव एक फ्लोर का याद रखिएगा तो ये सेवन के बाद फर्स्ट फ्लोर तक यही आंसर आपको मिलेगा टू वन सिक्स वन पॉइंट फाइव एक टेरेस का लोड अलग था वहां पे लाइव लोड नहीं था इसलिए आपको वैल्यू कम मिलेगी यहाँ पे लाइव लोड प्लस डेड लोड दोनों था इसलिए ये वैल्यू आपको थोड़ी बहुत कंपेरेटिवली ज़्यादा मिलेगी इससे अब बात करते हैं हाइट की तो हाइट तीन मीटर का गैप है तीन मीटर की हाइट है इसलिए ट्वेंटी फोर ट्वेंटी वन एटीन फिफ्टीन ट्वेल्व नाइन सिक्स एंड थ्री मीटर अब बात करते हैं ये वैल्यूज तो वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करके लिखनी हो अब टोटल मैंने कर दिया है इन सब का तो टेनलेस टू थ्री में ही रखिएगा आप तो आपको थोड़ा बहुत काउंट करने में आसानी हो, हो सकती है अब इनका रेशियो लेना है हमें डब्ल्यू आई एच आई स्क्वायर मतलब क्या है इसके डिवाइड में इस समेशन को आपको डिवाइड करना है नाइन थर्टी टू पॉइंट ट्वेंटी थ्री करोगे आप पॉइंट टू फाइव फाइव आपको आंसर मिल जाएगा फिर से इस वैल्यू के साथ डिवाइड कर दीजिएगा इस वैल्यू को तो आपको आंसर मिलेगा टू फाइव फाइव सिमिलरली नाइन फिफ्टी थ्री पॉइंट ट्वेंटी टू थ्री सिक्स फाइव फाइव पॉइंट सेवेंटी थ्री टेनलेस टू थ्री मैंने इसीलिए ही लिखा था क्योंकि वो डायरेक्टली निकल जाएगा तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा तो ये चीज हमने लिख ली अब बात करते हैं क्यू आई में क्यू आई में आपको करना क्या है वी बी से मल्टीप्लाई करना है वी बी आपको सिक्स सेवेंटी मिला है तो सिक्स सेवेंटी के साथ पॉइंट टू फाइव आप ऐड कर दीजिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको आंसर क्यू आई का मिल जाएगा पॉइंट टू फाइव फाइव इंटू पॉइंट सॉरी सिक्स सेवेंटी अगर सेकंड के लिए बात करें टू सिक्स वन इंटू सिक्स सेवेंटी तो ये मिल जाएगा इसी तरह से आपको वैल्यू मिल सकती है अब वी आई की बात करें वी आई का मतलब क्या है पहले फ्लोर में तो यही रहेगा अब सेकेंड फ्लोर में जब बात करते हो तो इनके साथ इनके साथ इनको ऐड कर दीजिएगा एक दो एक प्लस एक इनको ऐड कर दीजिएगा ये मिल जाएगा फिर से इनके साथ ये ऐड कर दीजिएगा ये मिल जाएगा इनके साथ ये ऐड कर दीजिएगा ये मिल जाएगा टोटल फाइनल आपको सिक्स सेवनटी मिलना चाहिए क्योंकि बेज में वही था समेशन अगर वो नहीं मिलता है तो आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत है तो क्या करना है एग्जाम में आपको किसी भी तरह से लास्ट आंसर जो है वो सिक्स सेवेंटी यहां जो आंसर आ रहा था वही लिखना है अगर नहीं आता है एग्जाम में तो भी लिखना होगा क्लियर है और जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे ये भी चीज़ आप याद रखिएगा एच आपका कम हो रहा है मतलब कि ये चीज़ बाय मिस्टेक अगर कहीं पे बढ़ रही है तो वो चेक कर लीजिएगा कहीं पे आपकी गलती हो सकती है ये चीज आपको टू फाइव टू फर्स्ट फ्लोर में यह हो सकता है फर्स्ट फ्लोर मतलब जी फाइनल फ्लोर है क्योंकि वहां पे ये आपका डेड लोड जो है ओनली डेड लोड है लाइव लोड नहीं था इसलिए ये चेंज हो सकता है बाकी इसके बाद का जो रेवेल्यूशन है टू सिक्स वन नाइन वन थ्री पॉइंट एट सॉरी जीरो ऐट ज़ीरो फोर ज़ीरो टू जीरो जीरो फाइव तो आप देखिएगा ये आपका जो ऑर्डर है वो डाउन होता जा रहा है इस हिसाब से आप काउंट कर सकते हो अब आप नेक्स्ट जो एग्जांपल लेके आ रहा हूँ वो है फ्लैट स्लैब का तो और फिर आप देख लीजिएगा दोनों में से आपको आसानी किस में हो रही है फिर भी कोई डाउट है तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा उसी स्क्रीन के साथ उसी मिनट के साथ तो मुझे आपको आंसर देने में बहुत ही आसानी हो सकती है चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहां पे होगा फ्लैट स्लैब का एग्जाम्पल